और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है, बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया? हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगा कर रखते हैं। दुर्गा माता को चढ़ाने वाली चुनरी का रंग लाल है, सुहागन के सिंदूर का रंग लाल है, लहू का रंग लाल है। आपको लाल रंग से आपत्ति नहीं है, आपको चिढ़ है देश के संविधान से, और इसीलिए आपने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की और जातिगत जनगणना की मांग उठाने की तुलना नक्सली सोच से की है। ये दुस्साहस है, ये पाप है, लेकिन यही आपकी पार्टी का असली संविधान विरोधी और बाबा साहब विरोधी चेहरा है, क्योंकि कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं, और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिशें करते हैं। वैसे एक बात जानना चाहती हूं, जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई? असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी लोकसभा चुनाव में।